हेलो दोस्तों, ये है होंडा एक्टिवा 125 BS6 यानी BS5 जैसे आप कहते हो, और ये है होंडा एक्टिवा 125 यानी आप इसे BS4 भी कह सकते हो। आज इस दोनों का कंपैरिजन करके आपको दिखाएंगे प्लस बताएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बकवास करता जाऊंगा, आप बकवास सुनते जाओगे। आप जो कुछ भी होगा आपके सामने होगा, आपको दिखा कर जो कुछ भी करना है वही करूँगा। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए 2019 होंडा एक्टिवा 125 वर्सेस होंडा एक्टिवा 125। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि होंडा 125 BS6 नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है BS6 माने BS VI, तो आपको पता चल गया होगा। तो चलिए इसका हम पूरा कंपैरिजन आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए इसका ऑन रोड प्राइस है दोस्तों। तो ये दोनों ही मैंने गाड़ी डिलक्स वाला लिया है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वाला नहीं है और एरोए वाला भी नहीं है या एलोए भी नहीं है, ये दोनों ही गाड़ी जो है वो डिलक्स वाला है। और इधर दोस्तों इधर वाला BS6 और इधर वाला BS4, ठीक है। तो इसका ऑन रोड प्राइस है 86,472 रुपया और इसका ऑन रोड प्राइस है 78,447 रुपया। ये गाड़ी माइलेज जो देता है, जैसे कि दोनों ही गाड़ी यहाँ पे देखिए प्रति किलोमीटर मतलब प्रति लीटर 60 किलोमीटर आपको ये गाड़ी माइलेज दे देगा। तो ठीक है, यहाँ पे 60 किलोमीटर माइलेज यहाँ पे लिखा हुआ है। इंजन टाइप यहाँ पे देख लीजिए आप, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक HET BS6 इंजन इसमें लगा हुआ है। और इसमें देखिए सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, इसमें BS6, इसमें सिर्फ 4 स्ट्रोक, इसमें 4 स्ट्रोक HET BS6 इंजन, ठीक है। और इसमें सिर्फ 4 स्ट्रोक इंजन। और इसका इंजन डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए यहाँ पे, इसका इंजन जो है 124 सीसी की इंजन है और इस गाड़ी के है 124.9 सीसी की इंजन इसमें लगा हुआ है। सिलेंडर मतलब इसमें भी सिंगल सिलेंडर इंजन है और इसमें भी आपको सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाएगा। इसका जो मैक्स पावर है, BS6 का जो मैक्स पावर है वो 8.29 PS और 6,500 RPM, और इसका जो 8.63 PS और 6,500 RPM, और इसमें जो NM टॉर्क होता है, जो मैक्स टॉर्क जिसे कहा जाता है, 10.3 NM एंड 5,000 RPM, और इसमें 10.54 NM और 5,000 RPM। और अगर बात करें यूज़र रेटिंग की, कौन सा गाड़ी लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है, यहाँ पे देखिए 4.5 पे रेटिंग है BS6 का और BS4 का है 4.2, यानी 3% लोग ज़्यादा BS6 को पसंद कर रहा है। फ्रंट ब्रेक यहाँ पे देखिए, फ्रंट ब्रेक जो है वो दोनों में डिस लगा हुआ है और पीछे का ब्रेक, रियर ब्रेक जो है वो ड्रम, इसमें भी ड्रम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कलर को आप इग्नोर कीजिए क्योंकि इसमें भी आपको 4-5 कलर मिल जाएंगे, फिलहाल लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो अभी शायद नया नेम बहुत सारा कलर आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत सारा कलर मिल जाएगा, ये कलर को आप बिल्कुल इग्नोर कीजिए। और यहाँ पे फ्यूल कैपेसिटी जो है, इसमें भी आपको 5.3 लीटर फ्यूल टैंक मिल जाएंगे और इसमें भी आपको 5.3 लीटर फ्यूल टैंक मिल जाएंगे। और ये माई रेटिंग जो मैंने आपको पहले ही प्राइस के बारे में बताया, ऑन रोड प्राइस अगर आप 36 मंथ के लिए EMI करते हो, तो ये गाड़ी जो यहाँ पे देखिए 2489 रुपीज़ और इसका EMI शुरू होता है 2273 रुपया, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो प्राइस जो मैंने आपको बताया और इसका जो EMI बताया, ये सिर्फ दिल्ली के लिए है और बाकी जितना इसका स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताया वो ऑल इंडिया के लिए है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे एक छोटा सा लाइक करके अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, और ऐसी मज़ेदार वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात, अगर आपके मन में किसी तरह की सवाल और सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला हुआ है, बिल्कुल फ्री है, आप जो चाहे जितना चाहे लिख सकते हो। दोस्तों कॉमेंट बॉक्स आपके लिए, वीडियो भी आपके लिए, सब कुछ आपके लिए। बस धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।